सेंचुरी प्लाईवुड 1 साल से लिया हुआ है, गेन भी आ गया था 12% उसमें, फिर भी मैंने वेट किया, मुझे लगा चलेगा क्योंकि अब पहले अच्छे रिटर्न दिया हुआ है, फिर अभी मतलब फिर से लॉस में चल रहा था, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट में। हाँ फ्लैट है बिल्कुल। तो सोनल मैम, ये आपने सेंचुरी प्लाई 1 साल पहले लिया था, प्रॉफिट भी आया, क्या आपने वैसे टारगेट्स क्या निकाले, क्योंकि आप एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करते हो। अभी अभी टारगेट आए थे उसके, इसके पहले ये मतलब एकदम ट्रेडिंग स्टॉक है, आगे पीछे होता रहता है, तो मैं इसमें 30 रुपीज 40 रुपीज निकालती रहती हूँ हमेशा, बट ओके एक टाइम आके मैं फंस गई और फिर वो अब अभी गेन आया था लास्ट मंथ, अभी फिर से ये रिवर्स आ गया तो पूरा। कौन सा रेंज आप प्ले करते हो उसमें यूजुअली, जी नहीं कौन सा रेंज प्ले करते हो? 30 रुपए का जो रेंज मिलता है आपको, 30 से 35 रुपए का। था, मतलब कुछ 580 से 640 तक हाँ लेना बेचना चलता था, ओके, बट उसके टारगेट मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने रखा और और अब फिर फंस उसके बाद वो गया। अटक गया। चलिए अभी फंसा अभी नहीं है गेन लेकिन था अभी भी, उसमें हाँ तो। फ्लैट टोन पे काम काज कर रहा हूँ, तो आप कभी भी निकल भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शर्मिला मैम एक्टिवली मार्केट ट्रैक करती हैं सोनल जी, और सेंचुरी प्लाई में यूजुअली ये ट्रेड करते आ रहे हैं बहुत समय से, प्रॉफिट्स भी इन्होंने कई कमाए इसके अंदर। तो अभी ये क्या करें, फ्लैट खड़ा है तो क्वालिटी तो ठीक है कंपनी की, लेकिन अभी ये क्या कर सकते हैं इसमें? पहले तो मैं इनसे माफी मांगना चाहूंगी, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेडर, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उस नजरिए से सेंचुरी प्लाई को देखती हूँ, और यू नो दिस इज ऑनेस्टली अ स्टॉक जो 60 रुपीज से मैं ट्रैक करके आई हूँ, तो मेरी तो नेगेटिव राय है नहीं इस स्टॉक के बारे में। ये बात डेफिनेट है कि रिजल्ट थोड़े फ्लैटिश रहे पिछले क्वार्टर, तो थोड़ा समय लग सकता है, बट माई टारगेट ऑनेस्टली वुड बी क्लोजर टू 7-10, तो मैं आपको छोड़ती हूँ क्योंकि यू नो जैसे कि आपने कहा कि आप होल्ड रेंज देखकर आप ट्रेड करते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया इसमें बनाए तो आप 700 के लेवल इसमें देख सकते हो, तो तो बाकी आई लिमिट हो। नहीं तो शर्मिला मैम, जो रेंज को प्ले करते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर हैं सोनल जी, तो इनके लिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना या इसी तरह की रेंज को ही ट्रेड करते रहना और पैसा धीरे धीरे स्कैल्प करते रहना इसमें से? दैट इज आवर स्ट्रेटजी राइट, और वो उनके लिए काम किया है और उसमें काफी डिसिप्लिन लगता है इन टर्म्स ऑफ एंट्री पॉइंट, तो यही है कि अभी उनके एंट्री पॉइंट से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, एंड इफ माय गेस इज राइट तो शायद नतीजे आए होंगे और फ्लैटिश रहे होंगे, तो हमने देखा है कि इस तरह के मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन हमने रिजल्ट्स के बाद देखा है, एंड यू नो द स्टॉक वुड बी गोइंग थ्रू दैट, तो उस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे तो थोड़ा रेंज बाउंड और समय के लिए रह सकता है, थोड़ा नीचे भी ये लेवल से जा सकता है, लेकिन एज आई सेड यू नो क्योंकि आई बीन ट्रैकिंग द स्टॉक्स इन 60 रुपीज, और क्योंकि मेरा जो एक रियल एस्टेट के हिसाब से मैं इसको एक प्रॉक्सी प्ले मानती हूँ, तो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आई विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। तो सोनल जी, स्टॉक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि आपके लिए वो रणनीति कारगर रही है अब तक, आप रेंज को प्ले करते आए हो, आपको नीचे के लेवल्स पे दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो दोबारा एंट्री करने के लिए और बने रहने के लिए भी। लेकिन सो फार जो टारगेट्स हैं शर्मिला मैम के लॉन्ग टर्म के लिए, वो 710 रुपये के आसपास।